नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत कर राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल का नाम बदलकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति में मीटिंग के दौरान घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब आप बताओ, ये धरती अपनी, ये भवन अपना, बनाने वाले मजदूर अपने, ये पसीना अपना और नाम मिंटो का। इस विधानसभा भवन में कई लोग बैठे थे, उन्होंने ये तक कहा, और लोकसभा तक पहुंचाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा तक पहुंचाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे हैं जिनने ये नेता गढ़े हैं, जिन्हें ये कार्यकर्ता बनाए हैं, जिनने पूरे मध्य प्रदेश में वट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। इसलिए मिंटो हॉल का नाम कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर रखा जाएगा। अब मिंटो हॉल का नया नाम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल होगा। इसी मिंटो हॉल में मीटिंग हुई थी। मिंटो हॉल की नींव 112 साल पहले वर्ष 1911 में रखी गई थी। इसे बनने में 24 साल लगे थे। मिंटो हॉल मध्य प्रदेश के बनने से लेकर पहली सरकार के गठन तक का साक्षी रहा है। पहली सरकार ने शपथ इसी हॉल में ली थी। भवन की खूबसूरती देखते ही बनती है। पुरानी विधानसभा रहे मिंटो हॉल में कई सेलिब्रिटी आ चुके हैं और इसकी खूबसूरती की तारीफ भी कर चुके हैं। सरकार हॉल में विभिन्न आयोजन करती है। यही हॉल आने वाले दिनों में कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जाना जाएगा। ईसीएल मुगमा एरिया के कपासारा आउटसोर्सिंग कोलियारा में गुरुवार के शाम करीब 4 बजे सुरक्षाकर्मियों का कोयला चोरों से भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला भालुक सुंदर निवासी बबीता देवी एवं एक बच्चा गोपीनाथपुरा निवासी राजन बाउरी घायल हो गया, जिसे स्थानीय निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। महिला के दाहिने हाथ में गोली लगी है, हाथ बुरी तरह जख्मी है, हाथ में ही गोली फंसी रहने की संभावना है। बच्चे राजन का भी दाहिना हाथ जख्मी है। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद जीएम ने ये धरती अपनी, ये मिट्टी अपनी, ये पत्थर अपने, ये गिट्टी अपनी, ये चूना अपना, ये गाला अपना, ये भवन अपना, बनाने वाले मजदूर अपने, ये पसीना अपना और नाम मिंटो। इस विधानसभा में, ये विधानसभा भवन, इस विधानसभा भवन में कई लोग बैठे थे। नया विधानसभा भवन यहां सुंदरलाल पटवारी, कैलाश जोशी, विक्रम वर्मा जी, सीता सहाय जी, जयंत मलैया जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, लक्ष्मीनारायण शर्मा जी, सत्यनारायण जटिया जी भी बैठे, शिवराज सिंह चौहान भी बैठे, रंजना मैन कह रही हम भी बैठे, गोपाल भार्गव भी बैठे, एक नहीं अभी इनमें से ओमकाल धर्मे भी बैठे थे। फग्गन सिंह जी नहीं आए, आए तो फग्गन सिंह जी भी आए, बेटा जी को हमने यहाँ आने का मौका नहीं दिया। ये सीधे डायरेक्ट लोकसभा में पहुंचे, लेकिन जितने नाम मैंने बताए उनको पहुंचाने वाला कौन थे, जिनने ये नेता कहे, जिनने कार्यकर्ता बनाए, जिनने पूरे मध्य प्रदेश में बट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। और इसलिए मिंटो हॉल का नाम कुशाभाऊ